रंजीत को लेकर चली लाठी डंडी व चाकू पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जनपद के भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी ग्राम जनीसरा मजरी सनही का रहने वाला पीड़ित करण पुत्र श्याम लाल यादव ने आज दिनांक 30 अप्रैल 2021 को पुलिस अधीक्षक रायबरेली को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रहने वाले दबंग प्रदीप पुत्र गुदी यादव, पवन पुत्र बीजवान, गुलाब पुत्र रामाधार, सुशील पुत्र छोटे यादव ने 28 अप्रैल 2021 को समय लगभग 8:30 सुबह एक राय होकर पीड़ित जब अपने दरवाजे गाड़ी धुल रहा था तभी आया और गाली गलौज के साथ लाठी डंडे और चाकू से बुरी तरह मारने पीटने लगे। तभी पीड़ित की माता इंद्राणा और भाई धनराज के बीच बचाव के लिए आए और उनको भी लाठी डंडे और चाकू से मारा पीटा जिससे पीड़ित परिवार को गंभीर चोटें। इस बाबत थाना भदोकर में प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः पीड़ित करण ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराए जाने और न्याय के लिए गुहार लगाया। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। भैया अपना परिचय बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम करण यादव है सर, सनात श्यामलाल है सर, मैं पोस्ट सनही थाना भदोकर जिला रायबरेली गांव जनेसरा का रहने वाला हूं सर। सर मैंने सन 2013 में हमने शादी की थी, लव मैरिज सर, जिसके मतलब में हमारे ससुराल वाले पक्ष वाले नाराज थे और हमने इसका सन 2017 में एक माने उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था और लड़की को हमारे सबूत सौंप दिया था और उसके बावजूद मैं सर बीच कोच आता जाता रहा अपने घर पर मैं अभी 2 साल बाद 27 तारीख को आया था, जो कि मैं अपने रात भर में अपने घर पे पूरी रात था। मैं दूसरे दिन सुबह को मैं अपनी बाइक धो रहा था और मेरा भाई स्नान कर रहा था, तभी 4 लड़के अचानक से डंडा लेकर आए और सर मेरे पे हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। बीच बचाओ में मेरा भाई आया, उसको भी मारे सर और मेरी माँ को भी छक्के धुक्का मार के घेर दिए सर। उनके पास छुरी भी थी सर और मैंने बीच बचाव करा तो मेरे हाथ पे भी लग गया सर और एक आध लड़कों के पास पिस्टल वगैरह भी थी सर। थाने गए थे? थाने जी सर, भदोकर थाने गए थे सर, मेडिकल भी हमने करवाया था सर पर हमें इलाज नहीं मिल पाया था सर। उत्तर पारा हॉस्पिटल हमारा लगता, वहाँ से उन्होंने जिला हॉस्पिटल में रेफर किया, हम वहाँ आए, वहाँ से उन्होंने बोला भदोकर थाने जाइए, वहाँ से लिखवा के लाइए, हम वहाँ भी गए सर। उसके बाद फिर उत्तर पारा गए, उन्होंने रेफर कर दिया फिर जिला हॉस्पिटल के लिए सर, फिर भी हमें यहाँ इलाज नहीं मिला सर, हम इलाज के लिए तड़पते रहे। लास्ट में हमें 3 बजे जाकर मेडिकल से ही दवाई लेनी पड़ी सर और अभी तक कोई जाँच नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लड़के अभी लगातार आ जाकर घर पे धमकियां देते हैं सर, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है सर। एसपी साहब से मुलाकात हुई है? नहीं सर, आज एसपी साहब से हम मुलाकात करने के लिए आए और अपनी कंप्लेंट एसपी साहब को देने के लिए आए हैं सर। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएंगे सर? आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारी नहीं होगी कोई सुनवाई तो सर सीएम साहब को योगी जी का आसरा बचा है, उनसे ही मिलने की कोशिश करेंगे सर। भैया क्या परिचय है आपका? धनराज सर। क्या हुआ है? कट्टा बल्लम से सब मारते रोज हमारे घर पे धमकी देके आज जो गए थे रात में, कोई सुनवाई नहीं होते हैं भाई यार, मैंने दर्ज किया कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरे भाई को बहुत मार दिया, हमें मार दिया, हमारी माँ को उठा के चढ़ बैठा। अच्छा, हम कहाँ जाएं? आज कहाँ पे आप आए हैं हम लोग? एसपी यादव। अच्छा,